हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं अमनदीप लांबा आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जियोमॉर्फोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अर्थ मूवमेंट के बारे में। एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस कौन से होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अंतर्जात और बहिर्जात बलों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं करा पाऊँ। राइट, चलिए शुरू करते हैं। अर्थ मूवमेंट की बात करें तो अर्थ मूवमेंट क्या होता है उसको बेसिक समझने का पहले प्रयास करते हैं। जो फोर्सेस होते हैं आपके, फोर्सेस को हम जियोलॉजिकली प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपके जो भी अर्थ के मूवमेंट होते हैं, अर्थ के क्रस्ट पे स्पेशली आपके जो मूवमेंट होते हैं उसको देखने का हम प्रयास करते हैं। उसके क्या कारण है, उसके कौन कौन से फोर्सेज हैं जिनकी वजह से आपके मूवमेंट है वो हो रही है, उसकी वजह से कुछ क्रिएशंस हो रही है, मतलब कि नया कुछ चीज़ बन रही है, कुछ आपका जो चीज़ें हैं डिस्ट्रैक्ट हो रही हैं, रिक्रिएट हो रही हैं, और कुछ चीज़ें आपके मेंटेन रह रही हैं। उन चीज़ों को जानने के लिए, उसके मैग्नीट्यूड को जानने के लिए हम अर्थ मूवमेंट को स्टडी करते हैं, फोर्सेस की स्टडी करते हैं। ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए कि हम स्टडी क्यों करते हैं। तो ये आपके टू टाइप के आपके जनरली आपके मूवमेंट देखने को मिलते हैं जियोलॉजिकली चेंजेस के अकॉर्डिंग। एक तो आपके लंबे समय तक जो लॉन्ग पीरियड चेंजेस होते हैं जो कि आपके बहुत ही कम स्लोली स्लोली आपके मूवमेंट होते हैं। जैसे कि एग्जांपल की बात करें, जो हिमालय है उसका निर्माण है वो बहुत ही स्लोली स्लोली हो रहा है। तो उसको एक लाइफ में, आपकी एक उम्र में, मतलब कि आपके एक मनुष्य है उसको देख नहीं पाएगा अपनी पूरी ज़िंदगी में कि कैसे आपका फॉर्मेशन हो रहा है, उसके लिए काफ़ी टाइम चाहिए। तो ये चीज़ें आपकी मिलती हैं, ये आपके लॉन्ग पीरियड चेंजेस मिलते हैं जो माउंटेन बिल्डिंग आपकी रहता है। अभी स्मॉल या शॉर्ट टाइम पीरियड के आपके जो चेंजेस होते हैं उनकी बात करें तो ये आपके बहुत ही कुछ सेकंड्स में या कुछ घंटों में आप देख सकते हैं। जैसे कि वोल्केनिक इरप्शन है, यानी कि ज्वालामुखी जो आपका फटती है तो उसकी, उसको आप देख सकते हैं, उसको नोटिफाई कर सकते हैं बहुत ही छोटे समय में, बहुत ही कम समय में आप उस चीज़ को देख पाते हैं। ये चीज़ें आपकी मिलती हैं। अभी जो ब्रॉड कैटेगरीज हैं जो फोर्सेज की, उसको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है उसके सोर्सेज के, ओरिजिन के सोर्सेज के अकॉर्डिंग। पहला आपका एंडोजेनेटिक फोर्सेज और दूसरा आपका एक्सोजेनेटिक फोर्सेज, जिसको हम अंतर्जात और बहिर्जात बल कहते हैं। राइट, चलिए बात करते हैं इनकी। सबसे पहले तो अर्थ मोमेंट में आपके दो फोर्सेज मिलते हैं, फर्स्ट आपका एंडोजेनेटिक और दूसरा आपका एक्सोजेनेटिक। एंडोजेनेटिक में भी आपके कुछ बाइफर्केशन मिलता है, तो आपका डायस्ट्रोफिक और एक आपका सडन मूवमेंट, यानी कि बहुत ही जल्द आपका कुछ घंटे में, कुछ मिनटों में आपका घटित हो जाए, वो आपका सडन मूवमेंट होता है। जैसे कि सडन मूवमेंट में आपके अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है और आपका ज्वालामुखी आती है। ये आपके बहुत ही कम समय में आप नोटिफाई कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, तो ये चीज़ें मिलती हैं। डायस्ट्रोफिज्म की बात करें तो आपका एक तो एपेरियोजेनिक होता है जो कि अववार्ड और डाउनवार्ड के होते हैं, एक आपका ओरिजिनिक होता है जिससे आपका टेंशनल या कंप्रेशनल फोर्स होता है। टेंशनल की वजह से आपका जो क्रैकिंग है, आपकी फोल्डिंग है, जो कि आपका ग्रेट रिफ्ट वैली है उसमें आपका ये टेंशनल फोर्सेज की वजह से आपका फॉर्मेशन हो रहा है। कंप्रेशन की बात करें तो फोल्डिंग हो जाते हैं आपके, फोल्ड बन जाते हैं, तो ये चीज़ें आपकी कंप्रेशनल फोर्सेस की वजह से होते हैं। अभी एक्सोजेनेटिक यानी कि आपका, इनके बारे में बात करें तो आपका दो फॉर्मेशन होती है, एक तो वेदरिंग और एक आपका इरोजनल। वेदरिंग अपरदन और आपका अपरदन और क्या पक्षी की बात करें तो जो वेदरिंग है वो आपके फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग आपके बाइफर्गेट किया जाता है। इरोजनल की बात करें तो आइस, रिवर, सी, विंड और अंडर वाटर आपके जो कास्ट जिसको कहते हैं उसके बारे में बात कही जाती है। तो ये एक फ्लो चार्ट है जिसके डिपेंड, जिसके आधार पर आप पूरी पूरी बाइफर्गेशन मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि कौन कौन से फोर्सेस होते हैं। अभी एक एक को डिस्कस करते हैं। एंडोजेनेटिक फोर्सेस होते हैं वो आपके जनरेट होते हैं किसी में, टेम्परेचर की वजह से जनरेट होते हैं उस कुछ फोर्सेस की वजह से जो कि आपके अर्थ के क्रस्ट के अंदर से, अर्थ के क्रस्ट के अंदर से आपके आते हैं, तो उनकी वजह से ये फॉर्मेशन होते हैं। यानी कि एंडोजेनेटिक की बात करें तो अंतर्जात, जो हम हिंदी में कहते हैं अंतर्जात, तो अंतर्जात यानी कि आपके पृथ्वी के अंदर से ये इसकी फॉर्मेशन होती है, अर्थ के इनसाइड से यानी कि अंदर से आपकी इसके अंदर ये फोर्सेस जनरेट होते हैं। अभी जो आपके ये जनरेट होते हैं जो एनर्जी, वो आपके रेडियो एक्टिव रोटेशनल या टाइडल फोर्सेस की वजह से आपकी ओरिजिन होता है अर्थ के अंदर से, ये आपकी फॉर्मेशन मिलती है।
फर्स्ट जो आपका पॉइंट है यानी कि सडन फोर्सेस होते हैं, जो मूवमेंट होते हैं जिनकी वजह से आपके एंडोजेनेटिक या डीप ऑफ अर्थ मतलब कि आपके जो बहुत गहराई से आपके अर्थ के अंदर से रैपिड चेंजेस देखे जा सकते हैं, जैसे कि आपके वो बहुत ही क्विकली होते हैं। जैसे उसका अगर एग्जांपल की बात करें तो वोल्केनिक इरप्शन है या अर्थक्वेक है, जो भूकंप आते हैं वो बहुत ही सडन कुछ मिनटों में कुछ घंटों में आप देख सकते हैं उन चीज़ों को, एक ह्यूमन लाइफ में आप नोटिस कर सकते हैं। ये चीज़ें आपके एंडोजेनेटिक फोर्सेज में देखने को मिलती है, सडन मूवमेंट वहां पर देखने को मिलती है। अभी जो डायस्ट्रोफिक जो फोर्सेस हैं या मूवमेंट्स हैं उनकी बात करें तो ये आपके वो फोर्सेस हैं वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरीके से देखने को मिलती हैं, यानी कि आपके लंबवत और आपके क्षैतिज दोनों तरीके से देखने को मिलती हैं। और ये फोर्सेस हैं बहुत ही आपके उसी की तरह आपके डीप विद इन द अर्थ देखने को मिलते हैं। इसमें आपके वेरी स्लोली आपकी फॉर्मेशन होती है, ये इफेक्ट्स हैं बहुत ही ज़्यादा सालों के बाद आपके मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद आप कुछ देख पाते हैं। जैसे कि आपके माउंटेन है, आपने नहीं आपको नहीं पता होगा, आपके पूर्वजों को नहीं पता होगा कि हिमालय कैसे निर्माण हुआ, वो चीज़ें आपको नहीं पता। अभी प्लेटू की बात करें तो प्लेटू का भी बारे में भी नहीं पता कि कैसे निर्माण हुआ। तो एक तरीके से वो आपके कुछ जो साइंटिफिक तरीके से साइंटिफिक मोनूमेंट्स के आधार पर कंपोनेंट्स के आधार पर हम चेक कर सकते हैं, लेकिन एक ह्यूमन साइकिल ह्यूमन पर्सन आपने जीवन काल में नहीं देख पाता, ये चीज़ें आपकी मिलती हैं। अभी जो आपके इससे डायस्ट्रोफिक जो फोर्सेज हैं या मूवमेंट हैं उनको भी हमने सब डिवाइड किया है दो ग्रुप्स में। एक तो एपेरोजेनिक जो मूवमेंट है, एपेरोजेनिक का तो दो वर्डों में आपका कंसिस्ट मिलता है। एपेरियो का मीनिंग है कॉन्टिनेंट से आपका जनरेट हुआ है, और जेनेसिस में आपका ओरिजन, मतलब कि जो कॉन्टिनेंट से आपका ओरिजन होता है, जो भी आपका फोर्स होता है मूवमेंट होता है, तो उसको हम एपेरोजेनेटिक मूवमेंट कहते हैं। ये फोर्सेज होते हैं जो रिजल्टेंट उनकी वजह से आपके जो लार्ज पार्ट्स हैं बहुत ही बड़े आपके स्थलखंड हैं कॉन्टिनेंट्स हैं वो आपके कभी आपका अपवर्ड हो जाते हैं, कभी आपके डाउनवर्ड हो जाते हैं, या आपके बोथ भी देखने को मिलता है, जिसको हम इमर्जेंस और सब्सिडेंस कहते हैं। अगर इमर्जेंस की आपका यहाँ पर एग्जांपल की बात करें तो जो बीचेज हैं आपके रेज हो जाती हैं ऊपर उठ जाती हैं, वो आपके 15 मीटर से 30 मीटर तक आपके सी लेवल से प्रेजेंट सी लेवल से आपकी आपके रेज हो जाती हैं। ये आपकी एक काठियावाड़ जो आपका पेनसुला है उसमें आपकी इमर्जेंस की आपके फॉर्मेशन देखी जा सकती है। ये एग्जाम्पल के साथ भी हम बात करेंगे कि कौन सा कहाँ पर आपका मिलता है, राइट। अभी सब्जेक्ट जो अपलिफ्ट हुआ है वो आपका अपलिफ्ट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अपलिफ्ट है वो आपका टाइम टू टाइम आपका जो प्रेजेंट बीच है, जैसे कि पहले आपका प्रेजेंट बीच यहाँ पर होती थी 5000 साल पहले, और उसके बाद आपका यहाँ पर देखने को मिलती, फिर बाद में यहाँ पर, और आज के दिन प्रेजेंट सिनेरियो में आपकी ये बीच है यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये आपका अपलिफ्ट हो रहा है, धीरे धीरे आपका अपलिफ्ट हो रहा है, ये चीज़ें आपकी फॉर्मेशन वहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। अभी सब्सिडेंस की बात करें तो जो आपका 1819 में आपका जो रन ऑफ कच्छ है, कच्छ का रन जिसको हम कहते हैं, वो सब्सिडेंस देखने को मिलता है। वो एक अर्थक्वेक भी आया था, वहाँ पर आपका भूकंप आया था जिसकी वजह से ये फॉर्मेशन बनती है। अंडमान निकोबार की बार की बात करें तो वहाँ पर भी जो अरकान कोस्ट है, अरकान कोस्ट में आपका सबसे सबमर्जेंस आपका देखने को मिलता है, जो एडम्स ब्रिज हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका एडम्स ब्रिज है जो आपका ये एडम्स ब्रिज आपका सब्सिडेंस हुआ है। तो ये आपका एडम्स ब्रिज आपके जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में, इसको हम राम सेतु भी कहते हैं, तो ये फॉर्मेशन आपकी इस वजह से देखने को मिलती है। ये आपके फोर्सेस हैं, और अगर बात करें ये आपका सब्सिडेंस यहाँ पर भी हुआ है, ये आपका फॉर्मेशन यहाँ पर भी देखने को मिलता है। तो अर्थ के मूवमेंट्स आपकी बहुत सी देखने को मिलती हैं। ओरियोजेनेटिक मूवमेंट की बात करें तो ओरियोजेनेटिक भी दो कंपोनेंट दो ग्रीक वर्ड से आपका बना है। ओरोस का मीनिंग है माउंटेंस, और आपका ओरिजिन है आप जिनेसिस का ओरिजिन, मतलब कि पहाड़ों से आपके पर्वतों से जो ओरिजिन हुआ है उसके आधार पर आपका ओरिजिनेटिक जो मूवमेंट है वो देखने को मिलता है। आपका ओरिजिनेटिक मूवमेंट आपका हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के अकॉर्डिंग दो वेज से आप अगर बात करें तो एक तो आपका अपोजिट, मतलब कि एक तो आपका अपोजिट होता है जो आपका एक दूसरे से दूर जाते हैं, इसकी वजह से आपके कुछ क्रैक्स मिलते हैं, कुछ आपके रैप्चर्स मिलते हैं, कुछ फॉल्ट लाइन मिलती है, ये मिलता है। और आपका दूसरा एक दूसरे से दोनों आप अगर एक दूसरे के बिल्कुल साथ में आते हैं ऐसे बढ़ते हैं तो उससे की वजह से आपके फोल्ड बनते हैं, जो वलन हम हिंदी में कहते हैं। तो ये आपका ओरियोजेनेटिक मूवमेंट की वजह से आपकी फॉर्मेशन मिलती है। ये आप देख सकते हैं, ये आपके पिक्चर शो हो रही है, अपोजिट आपका जा रही है, ये ऐसे जा रही है आपकी फॉर्मेशन यहाँ पर, तो एक दूसरे से दूर जा रही है। यहाँ पर अगर बात करें तो आपका जो मूवमेंट है वो आपका दोनों एक दूसरे के साथ आ रही है, तो ये ओरियोजेनेटिक मूवमेंट्स आपके देखने को मिलते हैं।
राइट। अभी आपको वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताएं, अपने प्यारे प्यारे फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और लाइक करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी एनहांसमेंट मिले, कुछ से नॉलेज इस लॉकडाउन पीरियड में अच्छी शेयर करें। और इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें क्योंकि यहाँ पर आपके डेली 9 AM आपको वीडियोज़ में प्रोवाइड कराता हूँ, तो उनको भी आप जरूर एक्सेस करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।